ये जो स्पॉट है उसका नाम है अपर डैम। तो इसके बाद एक लोअर डैम भी है, शायद इसी रास्ते से जाना पड़ता है मुखौटे के लिए। ये गांव बहुत ही फेमस है, यहाँ पे चारों तरफ जितने भी घर है दुकान है मुखौटे बन रहे हैं। तो यहाँ पे मुखौटे कैसे बनाया जाता है, ये कागज के एक खाँच बना लिया है, इसके ऊपर भी पेंटिंग किया जा रहा है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब। तो ये वाला मुखौटा जो है वो हम ले रहे हैं। होला अमीगोस, आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं पुरुलिया के अयोध्या हिल से। तो फिलहाल आज है हमारे पुरुलिया ट्रिप का सेकेंड डे और हम लोग आज निकलने वाले हैं और एक्सप्लोर करने वाले हैं अयोध्या हिल के आसपास के बहुत सारी जगह। अभी सुबह के बज रहा है 8:30 या 9:15। अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट और हम लोग हैं आकाश हिल टॉप करके एक रिजॉर्ट पर। तो आप देख सकते हो कल के ब्लॉग में आपने देख लिया होगा कि यहाँ का व्यू कैसा है, बहुत बढ़िया व्यू है। फिलहाल अभी फटाफट से जाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो आज का ब्रेकफास्ट जो है वो अभी हम लोग कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट में है हमारे लिए रोटी और आलू मटर की सब्जी, केला और सैनिटाइजर खाने नहीं वाले, खाने के पहले यूज करने वाले, और है उसके साथ साथ बॉइल्ड। तो लस्सी कहाँ से मिलता है, बना के दिया क्या? ठीक है, जब पियेंगे तब दिखाते हैं। और फिलहाल अभी खाना चालू करते हैं क्योंकि निकलना भी है। और एक छोटी सी दिक्कत हो गई है हमारी, डे वन से हमारी दिक्कत चल रही है और आज भी वो पीछा नहीं छोड़ी है। फटाफट खाते हैं क्योंकि वो वाली काम भी करना है। तो भैया फिलहाल अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30 के करीब और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। ये देखो हमारी ग्रुप पिक्चर हो रही है जिस ग्रुप में हम नहीं है। आ रहे, रुको रुको। तो अभी फटाफट निकल जाएंगे यहाँ से और हमारे ग्रुप की थर्ड कार जो है वो है ये वाली कार, फोर्ड इकोस्पोर्ट। और सुबह मैं जो बोल रहा था कि एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, वो हुई है कि वो वाले कार की टायर जो है वो पंक्चर हो गई थी और यहाँ पर मैकेनिक या फिर कोई भी गैराज मिलना बहुत ही मुश्किल का काम है। तो इसीलिए हमने होटल में कांटेक्ट किया था, होटल वालों ने एक मैकेनिक बुला करके काम सुलटा लिया है। तो फिलहाल अभी फोटो खींचते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे। तो भैया अभी हम लोग आ गए हैं हमारे आज का पहला डेस्टिनेशन पे जो कि है अपर डैम। कौन सी नदी है मुझे पता नहीं है दादा, कौन नदी है डा, कौन नदी होती किसी एमनी लेक। तो ये कोई नदी नहीं है, एक लेक ही है। ये जो स्पॉट है उसका नाम है अपर डैम। तो इसके बाद एक लोअर डैम भी है, शायद इसी रास्ते से जाना पड़ता है। तो डैम जो है उसका सीन है कुछ ऐसा, इस तरफ पानी है और यहाँ पे पूरा सूखा है, मतलब सूखा नहीं हरियाली है, इधर पानी नहीं है। यहाँ पे मैं एक बार और भी आ चुका हूँ, पहले 2019 में तब व्लॉग बनाया था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बट इस बार तो बना रहे हैं, उसको ऑलरेडी देख रहे हो। तो फिलहाल अभी यही है। अच्छा, ये नया स्टाइल है फोटो खींचने का, लाइन से लाइन से। तो थोड़ा सा एक एक करके निकल कर रहना पड़ेगा। तो फिलहाल अभी फोटो खींचते हैं, सब तो बहुत बढ़िया है बट धूप बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल यहाँ का कार्यक्रम हमारा हो गया है कंप्लीट और अभी हम लोग जा रहे हैं लोअर डैम, इसी रास्ते से जाएंगे, कंफर्म कर लिया है यहाँ के दुकान से। और ऊपर थोड़ी सी बादल आई है, काली बादल, और हम जब थे तब बहुत ही धूप थी।
तो भैया फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं चोरीदा विलेज, जो कि यहाँ से पास ही में है, शायद 5-7 किलोमीटर के अंदर होगा। और हम लोग यहाँ पर रुके हैं एक इमरजेंसी के लिए, क्योंकि हमारे साथ इमरजेंसी होती रहती है। और अभी हमारे किसी ग्रुप मेंबर को लग गई है पॉटी, और वो है इसके पापा पापा को मतलब छोटे मामा जी। अब पापा तो है नहीं, पापा तो पॉटी करने गए हैं, इसीलिए बेटी को दिखा रहे क्यों। तो फिलहाल अभी हो गई है खत्म काम, अभी निकलेंगे। 3 कार्स 3 जगह पर है। ये रही हमारी, वो दूर अगर दिख रही होगी लाल कलर, और वो पीछे सफेद कार आ रही है। सफेद कार में वो छोटे मामा जी थे। तो फिलहाल अभी हम निकलते हैं। तो भैया अभी हम लोग पहुंच गए हैं चोरीदा विलेज, जहाँ पे मुखौटे के लिए ये गांव बहुत ही फेमस है। यहाँ पे चारों तरफ जितने भी घर है, दुकान है, मुखौटे बन रहे हैं। तो ये देखो, यहाँ पे ऑलरेडी बन रहा है मुखौटा, और उसके साथ साथ यहाँ पे पेंटिंग भी हो रही है। और ये देखो, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मुखौटे हैं। सब लोग जो है वो वहाँ पे है। कार हमने पार्क कर दिया है पीछे। धूप जो है ना भाई, बहुत ज़्यादा धूप है, मतलब कड़ी धूप है। ये देखो, चारों तरफ सब मुखौटे बन रहे हैं, इधर भी है। पुरुलिया का एक फेमस डांस है जिसका नाम है छऊ नाच। तो वहाँ पे ये सारे मुखौटे यूज़ होते हैं, और शोपीस के लिए बहुत बढ़िया है। ये देखो, यहाँ पे बन रहे हैं और पेंटिंग भी कर रही है। इनका फोटो लो, साथ मेरा भी। तो मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया आप लोगों से, हमारे साथ जो तीसरी कार थी उसमें ये अंकल थे, और ये है डोडो, और ये है आयुषी, और आंटी जो है, आंटी कहाँ है, वो आंटी बाद में मिलाते हैं उनसे। मुखौटा जो है वो कौन कौन खरीदने वाला है? मुझे पता नहीं। तुम तो नहीं खरीद रहे हो? वो जो दुर्गा मूर्ति कर रहे हैं ना, वो अच्छी लग रही है। यहाँ पे भी है देखो, मतलब छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सब है। कत दाम? अच्छा, उठा एक तो बड़ो ना। तो इसका है, इसका प्राइस है 60 रुपए, और वो जो नीचे है ये है 70 रुपए। तो ये सब मुखौटे जो है वो हैंडमेड होते हैं, और मैक्सिमम मुखौटे जो है वो छऊ नाच के लिए यूज करे जाते हैं, और लोग शोपीस के लिए भी यूज करते हैं। हम अगर लेंगे तो शोपीस ही लेंगे ना। ठीक, ये देखो इधर भी है। तो ये है हमारी आंटी जो कि थर्ड कार में थे, बाकी सबसे मिला दिया, आंटी से ही मिलाना बाकी था, तो वो भी हो गया। तो मऊ सबके लिए आइसक्रीम लेकर के आई है। कौन सी आइसक्रीम है? डोडो के लिए की एटा 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 कौन डकी आइसक्रीम एटा? स्ट्रॉबेरी पसंद है तोर? अरे ओटा खोल, खुले तो खा। एगुलो की पिस्ता कुल्फी। गर्मी भाई जान लेने वाली है, तो मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कितना ज्यादा गर्मी है। क्या मोन एटा हेलो। तो हमारी जो आइसक्रीम है, मतलब सबकी, वो है स्ट्रॉबेरी एंड पिस्ता। खाने में तो ठीक ठाक ही है, कैसा ऋषि? ठीक है ना। तो ये वाला मुखौटा जो है वो हम ले रहे हैं, और इसको थोड़ा सा फिनिशिंग करके दे रहे हैं भैया।
तो यहाँ पे मुखौटे के साथ साथ मूर्तियां भी बनती है। और ये देखो एक बहुत सुंदर सी आर्ट है, मोर काफी बढ़िया बढ़िया बहुत बड़ा बड़ा मुखौटा है यहाँ पे। तो हमारी मुखौटे की मार्केटिंग हो गई है कंप्लीट। लगभग 5 मुखौटे लिए हमने सब मिल करके, और मतलब छोटा है बड़ा भी है। और ये देखो यहाँ पे एक माँ दुर्गा की मूर्ति भी है। सामने दुर्गा पूजा आ रहा है, आज शायद चतुर्थी है। और यहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति बन भी रही है। देखो यहाँ पे मुखौटे कैसे बनाया जाता है, ये कागज के एक छाज बना लिया है, उसके ऊपर अभी पेंटिंग किया जा रहा है। मतलब मिट्टी का कलर है, मिट्टी का लेप लगाया है। अच्छा, ये मिट्टी का लेप है जो बनता है, पूरा पूरा हैंडमेड है। बट बात ऐसी है कि ये जो क्राफ्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको सिर्फ कुछ ही चंद जगहों पे बचा के रखा हुआ है। ये क्राफ्ट अगर चला गया तो वो भी चला जाएगा। तो भैया अभी हम लोग एक ब्रेक के लिए रुके हैं, और यहाँ पे गर्मा गर्म कचौरी तला जा रहा है वो हम खा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे काफी सारी चीजें, ये देखो ये भैया इसको तल रहे थे, बिल्कुल गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म फ्रेश। तो हम सभी खा रहे हैं ये खाना। ये इटा हमें ना कि मामा ही মিষ্টি কেউ খাবি আপনি খেতে হ্যাঁ প্রচুর তেল দিয়ে আমি খেলাম না দাঁড়াও तो ब्रेक हमारा हो गया खत्म, और अभी हम लोग निकलेंगे, मतलब रिज्यूम करेंगे हमारी जर्नी। बहुत ही सामने है, मतलब और आधा घंटा पौना एक घंटा मैक्सिमम लगेगा। तो सीधा अभी निकलते हैं। তেল দিখা তুমি কাগজ দাও তো কাকা, এমনি দোকানে এত ভালো হয় না, মিষ্টির দোকানে এত ভালো করে। এসে কে দিয়ে